टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में जो एक बहुत ज्यादा बड़ी मिस्ट्री है वो ये है कि बिटकॉइन का फाउंडर आखिर है कौन। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बिटकॉइन की वैल्यू बहुत ही ज्यादा गिर गई है, अभी कुछ 22 लाख 40 हजार के आसपास। अभी जैसे चाइना ने क्रिप्टो करेंसी को बिल्कुल ही बैन कर दिया और माइनिंग को इलीगल कर दिया है, जिसकी वजह से बिटकॉइन की वैल्यू इतने नीचे गिर गई है। मे बी ये ऊपर जाएगा या नीचे, इसका कुछ आइडिया नहीं है। दोस्तों बिटकॉइन जब स्टार्टिंग में आया था इसकी वैल्यू बहुत ही कम थी। एक आदमी जिसका नाम था लेस्लियो हांजेक, जिसने 2010 में 10,000 बिटकॉइन पे किए थे सिर्फ टू लार्ज पापा जॉन्स पिज्जा के लिए, जिसकी कीमत सिर्फ $30 थी। वो आदमी उस दिन पिज्जा नहीं खाता और बिटकॉइन को बेचता नहीं, तब उसके पास आज बहुत पैसे होते। 2019 में पूछा गया था, तब उसने कहा था कि मुझे इस बात का कोई खेद नहीं है, मैं बिटकॉइन की हिस्ट्री का पार्ट बना, इससे बड़ी बात और क्या है। लेकिन आखिर ये बिटकॉइन बनाया किसने, ये भी एक बहुत ही ज्यादा बड़ी मिस्ट्री है। अगर आप पता करने की कोशिश करेंगे कि बिटकॉइन किसने बनाया, तब आपको ये नाम सुनने को मिलेगा, सातोशी नाकामोटो। क्योंकि सातोशी नाकामोटो ही नाम है जो bitcoin.org में रिफ्लेक्ट होता है। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर जिसने डिजिटल करेंसी को इन्वेंट किया है जो बिटकॉइन है, और पहला क्रिप्टो करेंसी भी। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि सातोशी नाकामोटो एक सूडो नाम है। हो सकता है ये कोई एक आदमी का नाम हो या फिर किसी ग्रुप का। ये बात 18 अगस्त 2008 की है। सिक्योरिटी रिसर्चर डैन कमेंस्की ने ये भी कहा था कि एक ऐसा प्रोग्रामर है जिसको C++ प्रोग्रामिंग की बहुत ही ज्यादा अच्छी नॉलेज है। इसने इकोनॉमिक्स, क्रिप्टोग्राफी और पीयर टू पीयर नेटवर्क को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से समझा है। तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि एक आदमी इतने सारे गुण लेके चले। ऐसा भी हो सकता है कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ग्रुप हो जिसने ये पूरा बिटकॉइन बनाया है। यदि आप गूगल पे सर्च करेंगे सातोशी नाकामोटो या फिर ये सर्च करेंगे हु इन्वेंटेड बिटकॉइन, तब आपको एक ये फोटो दिखाई जाएगी। लेकिन इस आदमी का असली नाम कुछ और ही है और वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। आज करीब बिटकॉइन को बने हुए 11 साल हो गए, लेकिन किसी को अभी तक ये पता नहीं है कि बिटकॉइन को आखिर किसने बनाया, वो अभी भी एनोनिमस ही है। सो दोस्तों आज इस वीडियो को पूरा देखना और मैं आपको बिटकॉइन की मिस्ट्री बताऊंगा। दो हजार आठ में सातोशी नाकामोटो ने एक 9 पेज का वाइट पेपर पब्लिश किया था, जिसमें बिटकॉइन को पहली बार मेंशन किया गया था। इसको नाम दिया गया था पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। उस वक्त बिटकॉइन सिर्फ एक आइडिया था जो पेपर में एग्जिस्ट करता था। लेकिन फिर 2009 में सातोशी नाकामोटो ने इस आइडिया को कॉन्सेप्ट में बदलने की कोशिश की। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी का पहला सॉफ्टवेयर को बनाया। नाकामोटो पहले साल तो बहुत ही ज्यादा एक्टिव थे। उन्होंने कई सारे फोरम्स लिखे, ईमेल सेंड किया और दूसरे डेवलपर के साथ भी काम किया, जिससे बिटकॉइन की प्रोग्रामिंग और अच्छी हो। और फिर 2011 में असली मिस्ट्री चालू हुई, जब सातोशी नाकामोटो अचानक से गायब हो गए। कोई भी ईमेल नहीं, कोई भी फॉर्म्स नहीं, अचानक से गायब। इसके बाद कोई भी डेवलपर या फिर कोई भी कोलैबोरेटर के पास बिटकॉइन के फाउंडर की कोई भी जानकारी नहीं थी, और फिर किसी ने भी सातोशी नाकामोटो के साथ फिजिकल मीटिंग नहीं की थी। तो फिर किसी को इनकी शक्ल भी नहीं पता। कोई भी ऐसा डेवलपर इतनी मेहनत करके खाली हाथ तो जाएगा नहीं। एस्टिमेट किया जाता है कि सातोशी नाकामोटो के पास करीब 10 लाख बिटकॉइन है, और इसको अगर हम लोग बिटकॉइन की करंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तब ये करीब $30 बिलियन आ रहा है। तो अब ये सवाल उठ के आता है कि नाकामोटो ये पैसे को लेकर भागे क्यों नहीं। इसके पीछे कुछ दो थ्योरीज दी जाती है। पहला, द गुड सातोशी हाइपोथेसिस, जिसमें लोग ये मानते हैं कि बिटकॉइन ग्रो करे लेकिन सातोशी के बिना। और दूसरी हाइपोथेसिस, द बैड सातोशी हाइपोथेसिस, जिसमें सातोशी नाकामोटो सारे पैसे लेके भाग जाएगा। ऐसा मैट ग्रीन ने कहा है, जो एक क्रिप्टो करेंसी के प्रोफेसर हैं। और इनका ये भी मानना है कि द बैड सातोशी हाइपोथेसिस ज्यादा मान्य है। इस चक्कर में एक व्यक्ति की स्टोरी सामने आई जिसका नाम था डोरियन नाकामोटो। ये एक जैपनीज अमेरिकन है जो 2014 में सातोशी नाकामोटो के तौर पर रिकग्नाइज किए गए और इनको बिटकॉइन का इन्वेंटर बना दिया। लेकिन वास्तव में ये सातोशी नाकामोटो नहीं है, और उन्होंने ये साफ डिनाई किया है कि मैं बिटकॉइन का फाउंडर नहीं हूँ। दूसरी तरफ कुछ लोग बोलते हैं कि मैं ही सातोशी नाकामोटो हूँ, सिर्फ फ्रेम हासिल करने के लिए। जैसे क्राइग राइट, इन्होंने तो बीबीसी को ये भी बोला है कि मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ कि मैं ही बिटकॉइन का फाउंडर हूँ। ये उतना चला नहीं,
सिक्योरिटी रिसर्चर डैन कमेंस्ट्री ने यह कहा था कि एक इंटेंशनल स्कैमरी है और इनका सातोशी नाकामोटो वाला दावा भी ज्यादा नहीं चला। बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है, सिर्फ 21 लाख बिटकॉइन ही है जो माइन किए जा सकते हैं और एस्टिमेट किया जाता है कि नाकामोटो के पास 10 लाख बिटकॉइन होंगे जो बिटकॉइन का 5% है। इससे हमें एक चीज समझ में आती है, अगर आपके पास बिटकॉइन मिलियंस में है तब आपके पास ये ताकत होती है कि आप क्रिप्टो करेंसी का मार्केट को बदल सकें, जैसे अभी इलॉन मस्क कर रहा था। मैंने भी डॉज कॉइन में बहुत पैसा लगाया और मेरा भी पैसा अभी बहुत ज़्यादा नुकसान में चला गया है क्योंकि इलॉन मस्क मार्केट में फेरबदल कर रहा था। इसको हम लोग आलू प्याज वाले एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, अगर किसान बहुत सारे प्याज को उगा देगा तब उसकी वैल्यू अपने आप गिर जाएगी और अगर डिमांड बहुत होगी और सप्लाई कम तब वैल्यू अपने आप बढ़ेगी। बस यही एक रीजन से सातोशी नाकामोटो भी बिटकॉइन के साथ फेरबदल कर सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ज्यादा फेरबदल नहीं हो पाएगी क्योंकि बिटकॉइन की जो भी मार्केट कैपिटल है वो 653 बिलियन डॉलर की है और अगर वो कभी ज्यादा फेरबदल करेगा तब उतना भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि सातोशी नाकामोटो पॉलिटिकली कनेक्टेड है, लेकिन इनका कोई ठोस सबूत हमारे पास नहीं है, ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसीज ही है। दोस्तों, सातोशी नाकामोटो या कोई आदमी या फिर कोई ग्रुप, इसने इस बिटकॉइन को बनाकर कितने ही लोगों को अमीर बना दिया है। सो दोस्तों, आपका सातोशी नाकामोटो के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।